हेलो एवरीवन हाउ आर यू वेलकम टू सीनियर साइंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉटन जेसिड के बारे में एक न्यू लाइफ साइकिल है कॉटन जेसिड की इसे प्रीवियस वीडियो में हमने कॉटन के पेस्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया आज की वीडियो में कॉटन जेसिड जिसका नाम है एम्पोसका डेवेस्टेनस जो कि इसका साइंटिफिक नेम रहेगा एम्पोआसका डेवेस्टेनस ठीक है इसका एक और नेम भी है जिसमें इसको अमरास्का बोला गया है एम्पोआस्का की जगह अमरास्का बोला गया है अब इसके अंदर अगर मैं इसकी सिस्टेमेटिक पोजिशन को देखूँ तो सबसे पहले आती है क्लास जिसमें इसको इंसेक्टा में रखा गया है ऑर्डर हेमीपेट्रा फैमिली जेसीडई ठीक है कॉटन जेसिड जेसीडेई फैमिली है और एम्पोस्का डेवेस्टेनस इसका जो साइंटिफिक नेम है या जूलॉजिकल नेम है हम बोल सकते हैं इसके अलावा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है All over India में तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ही इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया इट्स मेन इन जो mainly ये कॉटन के ऊपर ही ग्रो करता है इट इज सीरियस पेस्ट ऑफ कॉटन इन अमेरिका और इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव कॉटन पेस्ट प्लांट की मैं बात करूं कॉटन इसका मेन होस्ट प्लांट है इसके अलावा अदर जो मालवेसियस फैमिली है या फिर सोलानसियस फैमिली है लाइक पोटैटो है ब्रिंजल है भिंडी है हॉलीहाक्स है ये इसके सारे के सारे अल्टरनेट होस्ट रहेंगे जनरल अपीरियंस जनरल अपीरियंस में जो अडल्ट इंसेक्ट होगा रेड कलर का होता है विंटर के अंदर एंड ग्रीनिश येलो हो जाता है ये समर सीजन के अंदर और इट इज अ स्मॉल इंसेक्ट अबाउट 15 एम एम लेंथ फिफ्टीन एम एम लेंथ का छोटा सा इंसेक्ट है देन इसमें से आपसे इनकी हैबिट के बारे में पूछा जा सकता है जो हैबिट आती है कॉटन जैसिड की दीज इंसेक्ट आर अट्रैक्ट टूअर्ड लाइट मीन हम बोल सकते हैं कि नॉकटर्नल इंसेक्ट है दीज इंसेट आर अट्रैक्ट टूअर्ड लाइट एट नाइट नाइट टाइम पे लाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा मीन ये नॉक्टर्नल है द अडल्ट चेंज देअर कलर सीजनली जैसा कि हमने देखा विंटर के अंदर रेडिश कलर होता है और येलो ग्रीन हो जाता है समर के टाइम पे द अडल्ट बग सक सेल से द प्लांट टिश्यू प्लांट टीशू से जो अ, सेल का सैप है उसको शक करने की कोशिश करता है अडल्ट अडल्ट की जो लाइफ साइकिल है द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द बग इज 21 ट्वेंटी 28 डेज लगभग वन मंथ की हम मान के चल सकते हैं इसकी लाइफ साइकिल रहती है इन वन ईयर अबाउट इलेवन जनरेशन आर ओब्जर्व कॉटन के अंदर इसकी इलेवन जनरेशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है या कॉटन के अलावा अलग जो इसके होस्ट प्लांट हैं उनके ऊपर भी इनकी जनरेशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है सो सबसे पहले जो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेज आती है जिसको हम बोल रहे हैं एग जो फीमेल होगी वो एग ले करेगी बग्स फीमेल को बोलते हैं बग जो एग ले करेगी इन द टिश्यू ऑफ मिड्रिप मिड्रिप होता है लीफ का मिडल पार्ट जो बीच वाली एक लाइन दिखती है लीफ के अंदर उसको मिड्रिप बोलते हैं मिड्रिप पे या वेन ऑफ द लीफ के ऊपर स्टाक के ऊपर या कॉटन लीव्स के ऊपर ये एग को ले करती है एग कैसे ले करेगी या तो सिंगली ले करेगी एग आर लेड सिंगली एंड इन टोटल या टोटल वन टाइम पे एग देगी लगभग फीमेल 50 एग को ले करती है वन टाइम अपनी लाइफ स्पान के अंदर सेकेंड स्टेज आ जाती है इसकी निम्फ निम्फ कैसा होता है सॉरी जो एग हैच है, करेगा निम्फ के अंदर यहां से निम्फ बाहर आएगा जो कि एक छोटा होता है लगभग अडल्ट के जैसा ही होता है डिफरेंस है कि मिलता है कि इसके अंदर इसके जो पंख हैं वो डेवलप नहीं होते द द निम्फ सेल्स फ्रॉम प्लांट टिश्यू मतलब जो निम्फ है इसकी डैमेजिंग स्टेज आ गई है द निम्फ मोल्ट फाइव टाइम एंड कन्वर्ट इन टू द टाइम मोल्ट करेगा मोल्टिंग आएगा तो उसके बाद ये किसके अंदर अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है स्टेज है इसकी इसको हम बोलते हैं अडल्ट जो अडल्ट होगा जो निम्फ है वो डेवलप हो जाएगा उसके अंदर विंग्स का निम्फ के अंदर जैसे ही विंग्स का डेवलप हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है इन टू द अडल्ट अब ये डैमेज कैसे करते हैं जो इनकी डैमेजिंग स्टेज है मेनली टू है मेन डैमेज इज कॉज बाई नि दोनों ये डैमेज का कोज करते हैं बोथ। दीज सक सेल्स सेप एंड इंजेक्ट टॉक्सिन इन टू द टिश्यू टिशू के अंदर टॉक्सिन का इंजेक्ट कर देते हैं लीव्स से ये सेल का जो शेप है उसको शक करते रहते हैं नाउ देर इज विल्टिंग ऑफ लीफ आकर जो लीफ के अंदर विल्टिंग आ जाती है या फिर लीफ ड्राई होकर नीचे फोल्ड डाउन कर जाते हैं तो इस चीज से क्या होगा प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसको अफेक्ट होता है सो द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट अफेक्टेड फोटोसिथेटिक एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी जो ग्रोथ है प्लांट की वो रिटायर्ड कर जाएगी रिटायर्ड का मतलब है यहां पे कम हो जाना मतलब प्लांट की ग्रोथ के अंदर कमी आना सो नंबर ऑफ कॉटन बॉल्स रिड्यूस जिसके कारण क्या हो सकता है कॉटन बॉल्स कम आएंगी प्लांट के ऊपर ईल्ड डिक्रीज बाय 20 टू 40 परसेंट तक की जो ईल्ड है कॉटन की उसको ये डिक्रीज कर देता है तो इसके डैमेज के कारण ये रहेंगे बेसिकली क्योंकि ये सेल्स एप को साथ के साथ सख्त तो करता ही है प्लस टॉक्सिन को भी इंजेक्ट कर देता है अभी तक किसी भी इंसेक्ट के अंदर हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है जितने भी हमने कॉटन पेस्ट अभी तक पढ़े हैं इससे पहले हमने चार कॉटन पेस्ट पढ़े हैं उनके अंदर किसी के अंदर भी ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली बट जो कॉटन जैसिड है ये ऐसा कर रहा बात आती है इसको कंट्रोल करने की तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अगर कॉटन जैसिड को कंट्रोल करना हो तो कम से कम ऐसी वैरायटी हमें ग्रो करनी पड़ेगी जो रेजिस्टेंस वैरायटी हो शुड बी सोन मतलब रेजिस्टेंस वैरायटी को ही हमें ग्रो करना पड़ेगा इसके अलावा इफ़ रेनफॉल इज़ हैवी देयर शुड बी अर्ली सोविंग अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो सीड को सबसे जल्दी हमें शो कर देना चाहिए इन्फेस्टेड क्रोप शुड बी स्प्रेड बाई सेवन फिफ्टी एम एल जो केमिकल मेथड है इसको प्रोटेक्ट करने का अगर उसके अंदर हम सेवन फिफ्टी एम एल इन्फेस्टेड मतलब जिस क्रोप के अंदर कॉटन जैसिड आ गया है इसकी एंट्री हो चुकी है तो हम सेवन फिफ्टी एम एल ऑफ एंडोसल्फान पर थाउजेंड लीटर ऑफ वॉटर के अंदर डालकर उसको स्प्रे कर सकते हैं लाइफ साइकिल को देखें तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले एग आते हैं एग्स लगभग सिंगली भी दिए जा सकते हैं और 50 के बंचेज के अंदर भी हो सकते हैं मिड मिड्रिप टिश्यू के अंदर जो फीमेल है वो एग को ले करती है फीमेल बग अब जैसे ही एग फोर टू इलेवन डेज के अंदर फोर टू इलेवन डेज के अंदर इसका इंक्यूबेशन बीत जाता है तो यहाँ पर ये एग से निम्फ बन जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रही है कोई इनडायरेक्ट स्टेज मतलब कैटरपिलर वगैरह नहीं दिख रहा तो अडल्ट से निम्फ बना निम्फ सॉरी एग से निम्फ बना निम्फ से क्या बनेगा अडल्ट बनेगा जो अडल्ट है वो कलर को चेंज करता रहता है लगभग 12 एम mm का ये लोंग होता है 12 है या 21 12 हो सकता है 12 एम mm का ये लोंग होता है अब इसके अंदर जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है यहाँ पे फाइव मोल्टिंग हो सकती है फाइव मोल्टिंग के बाद अडल्ट इंट्री हो एडल्ट अडल्ट की एंट्री हो जाती है अडल्ट बाहर आता है जो नॉक्टर्नल है जिसके हम करेक्टर पढ़ चुके हैं नॉक्टर्नल है और इसके अलावा ट्वेल्व एम mm का लॉन्ग है और विंटर में इसका कलर रेडिश देखने को मिलता है और ग्रेश येलो ये समर के अंदर देखने को मिलता है अब जो निम्फ और अडल्ट ये दोनों की दोनों जो स्टेज आती हैं ये डैमेजिंग स्टेज में भी आती है डैमेजिंग स्टेज मतलब ये दोनों स्टेज क्या करती हैं कॉटन को नुकसान पहुंचाती हैं इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं जिससे ये सेल सैप को शक करती हैं शक करने के साथ ही सेल के टिश्यू के अंदर कुछ ना कुछ टॉक्सिक जो केमिकल है उसको इंजेक्ट कर देती हैं जिससे प्लांट के लीफ विल्ट होकर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी प्लांट की रिड्यूज हो जाती है प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो प्लांट रिटार्टेड कर जाएगा ग्रोथ के अंदर और प्लांट के अंदर जो कॉटन बॉल्स हैं उनका भी डिक्रीज हो जाएगा तो जिससे कि ये कॉटन क्रॉप्स को लगभग ट्वेंटी फाइव से फोर्टी परसेंट तक रिटार्ड कर देता है मतलब उनकी ग्रोथ को कम कर देता है लेस कर देता है कॉटन की जो अमाउंट है उसको लेस कर देगा इसको हम प्रोटेक्ट इन तरीकों से कर सकते हैं जिसमें दो फिजिकल मेथड है एक केमिकल मेथड है, ठीक है केमिकल मेथड में एंडोसल्फान बताया गया है सेवन फिफ्टी एम एल वन लीटर वाटर के अंदर डालकर उसको स्प्रे करना है पर एकड़ के अंदर तो इसके हिसाब से ये लाइफ साइकिल रहेगी जो लाइफ साइकिल है लगभग वन ईयर के अंदर ये अपनी इलेवन जनरेशन कंप्लीट कर लेता है इलेवन जनरेशन और जो इसकी लाइफ साइकिल है लगभग वन मंथ की रहती है ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट डेज जो कि हम पढ़ चुके हैं तो इसके अंदर हमें इतना ही रीड करना होता है पूरी डिटेल बहुत कम आती है फिर भी थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में पूछ लिया जाता है तो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है जो मैंने आपको बता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी या ये टॉपिक जितना मैंने करवाया मेरी उम्मीद से आपको ये समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें